आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It doesn't mean that I'll take your shirt away. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs. Manifesto aapko acha laga? Aapne dekha hoga ki pradhanmantri panic kar gaye hain. हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो 2024 के सियासी मैदान में मुसलमान और मंगलसूत्र वाले बयान के बीच सैम पित्रोदा ने बेहद ही संजीदगी के साथ एक गंभीर मुद्दा हिंदुस्तान की चुनावी पिच पर उछाल दिया, जिसके बाद तो सियासी गलियारे में बवाल मचा है। हर तरफ सैम पित्रोदा के विरासत वाले अमरीकी टैक्स का शोर बुलंद है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अपने बयान में अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र किया है। पहले सैम पित्रोदा का बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी बताएंगे। इन अमेरिका देयर इज अ इनहेरिटेंस टैक्स, सो इफ लेट्स से वन हैज $100 million वर्थ ऑफ वेल्थ एंड व्हेन ही डाइज he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of सुपर रिच ओनली। सैम पित्रोदा ने दरअसल अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि देश में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कांग्रेस नई नीतियां बनाएगी। पित्रोदा का कहना है कि अमेरिका की तर्ज पर सुपर रिच भारतीयों की संपत्ति का हिस्सा देश के गरीबों को मिलना चाहिए, यानी वो आर्थिक विषमता दूर करने के लिए संपत्ति का समान बंटवारा करने की बात कह रहे हैं। यह कानून अमेरिका में लागू है। Take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. सैम पित्रोदा सुपर रिच यानी अमीरों में भी बेहद अमीरों के संपत्ति के बंटवारे की गरीबों में बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे लपका और कांग्रेस को बुरी तरह घेर लिया। पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के चुनावी मंच से विरासत टैक्स का शोर बुलंद है। सब अपने अपने तरीके से जनता को समझाने और बताने में जुटे हैं। सुनिए, अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां यह परंपरा है। हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है,
ये फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। कोई भी हिंदू सनातनी पूजा करता है तो उसमें स्वर्ण रखा जाता है, विवाह होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है, और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले हैं तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मुंह में रख दीजिए। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है, बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित, जिसको भारत की विरासत से नफरत है। आपने भारतवासियों को बता दिया कि राहुल गांधी जी की सोच क्या है, क्योंकि सैम पिट्रोडा जी, राहुल गांधी जी भी और उनके पिता के भी मेंटर, गाइड, फिलोसोफर और फ्रेंड है, और उन्होंने कहा है कि आपने जो अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है वो अब आपकी संतान को नहीं मिलेगा, वो वसूली टैक्स के लेकर देश में उन लोगों को बांट दिया जाएगा जो कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति है, जो घुसपैठिए हैं। सब हवा हवाई, मतलब बीजेपी ने बेहद अमीरों के खाते से गरीबों के हिस्से वाली बात विरासत टैक्स में बदल डाली और देश में तमाम लोग इसके जद में आ गए। बीजेपी ने इसे अमीरों की बाउंड्री से निकाल कर आम लोगों से जोड़ दिया। पित्रोदा सफाई देने लगे, कांग्रेस बयान से किनारा करने लगी, लेकिन राहुल ने फिर गुगली फेंकी और जो कहा वो पहले भी कहते आए हैं, यानी ये कि सरकार ने बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ करके देश का नुकसान किया है। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स के जरिए चुनावी मैदान में गुगली फेंकी। नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। इतने पैसों से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्जा माफ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी। पूरे देश को 20 वर्षों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। 3 साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त की जा सकती थी। जो पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द की दवा बन सकता था उसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया। देश नरेंद्र मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अब हाथ बदलेगा हालात, कांग्रेस हर हिंदुस्तानी की प्रगति के लिए सरकार चलाएगी। अब सभी बातों को मिलाकर समझिए। पहले ये कि सैम पित्रोदा ने अमेरिका के कानून का जिक्र कर अमीरों के पैसों को गरीबों में बांटने की बात कही। बीजेपी ने ये कहा कि ये तो गजब है, कांग्रेस लोगों की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठी है। उधर राहुल ने नहले पर दहला मारकर ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी सरकार ने कारोबारियों का दिल खोल कर कर्ज माफ किया, नहीं करते तो आम आदमी को राहत मिल।